नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वृद्धा की हत्या के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, हत्या के 3 दिन में ही पुलिस ने किया पर्दाफाश। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में हुई थी हत्या। सुकमा नक्सली हमले में हुआ था अलवर का जवान शहीद, राज के सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। अलवर के सुंदर वाड़ी का था सपूत लक्ष्मण। नवसंवत के मौके पर होंगे अनेकों आयोजन, मिनी मैराथन का भी होगा कार्यक्रम। भाजपा भी मनाएगी नवसंवत आमजन के साथ। हनुमान बेनीवाल ने फिर भरी हुंकार, नहीं जाऊंगा बीजेपी में, भाजपा के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन। और अब समाचार विस्तार से। 3 दिन पहले हुई अलवर में एक वृद्धा की मौत के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस ने एक महिला सहित 2 को गिरफ्तार किया है। वहीं अभी एक आरोपी फरार है। अलवर में लगातार बढ़ रहे अपराधों को रोक पाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि पुलिस भी अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अलवर में 3 दिन पहले हुई 82 वर्षीय वृद्धा की मौत की गुत्थी को पुलिस ने मात्र 3 दिनों में सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए गहने भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। एनबी थाने में SP राहुल प्रकाश ने प्रेस वार्ता में बताया कि हत्या के मामले में SHO देवेंद्र प्रताप के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। साथ ही पुराने किराएदारों और काम करने वाली महिलाओं पर निगरानी रखी गई, जिसमें शक की सुई झाड़ू पोछा करने वाली लक्ष्मी पर टिकी। साथ ही उसके साथ रहने वाले चरण सिंह उर्फ लाडी को भी हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर लक्ष्मी ने चरण सिंह और उसके दोस्त कैलाश के साथ मिलकर वारदात करना कबूला। जिनका रिटायरमेंट 1999 में हुआ था, वो अकेली महिला इस घर में रहती थी। जो घर इनका अभी भी हाउसिंग बोर्ड की तरफ से स्थापित है, उनके एक पुत्र है जो फरीदाबाद में निवास करते हैं, जिनका नाम हरी हो गया। ये महिला पिछले 20 सालों से यहाँ पर रह रही है और इस घटना के करीब 9 माह पूर्व, 9-10 माह पूर्व वो फरीदाबाद चली गई थी अपने बेटे के पास में, वहीं पर वो रही थी। इस घटना होने के मुश्किल से करीब 1 माह पूर्व ही यहाँ पर आई अकेली रह रही थी। इन अकेली महिला को देखकर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के नौजवानों ने जो है उनके घर में पीछे की तरफ से जो डोर है उससे प्रवेश किया, प्रवेश करके उनका मुँह जो है उसके दबा कर हत्याकारी थी। और इनकी गौरतलब है कि ट्रांसपोर्ट नगर में 2/13 में रहने वाली 82 वर्षीय तारा गुप्ता की गला घोटकर हत्या कर कान के सोने के कुंडल चूड़िया सहित नकदी लूट ली गई थी। हत्या की साजिश के मुख्य सूत्रधार कभी मृतका के घर झाड़ू पोछा करती थी। हत्या से 1 दिन पहले भी लक्ष्मी मृतका के घर आई और चालाकी से पीछे की तरफ खुलने वाले बाथरूम के दरवाजे को खोल दिया, जिसकी भनक तारा देवी को नहीं लग पाई। रात में लक्ष्मी ने रैकी करवाकर चरण सिंह और कैलाश को भेज वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चरण सिंह और लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तीसरे आरोपी कैलाश की तलाश जारी है। सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए 9 सैनिकों में शामिल अलवर के सुंदरवाड़ी के लक्ष्मण के पार्थिव देह लगभग दोपहर 3 बजे पैतृक गांव पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों की आंखें नम थी। वहीं शहीद को सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। उधर शहीद की पत्नी, मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। अलवर का सपूत लक्ष्मण देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया, छोड़ गया तो सिर्फ यादें। लक्ष्मण के अंतिम विदाई के समय सैकड़ों युवा हाथों में तिरंगा लिए बाइकों पर नारे लगाते हुए चल रहे थे। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बार बार अपने बेटे को याद कर बेसुध हो जाती थी। गमगीन माहौल के बीच लक्ष्मण को अंतिम विदाई दी गई। शहीद लक्ष्मण के 2 बच्चे हैं, जिसमें 8 साल की बेटी और 5 साल का बेटा है। पत्नी और मां के अलावा 2 बड़े भाई हैं, जिसमें 1 दिल्ली पुलिस में और 1 GRP में नौकरी करता है। लक्ष्मण अभी कुछ दिन पहले ही छुट्टियां काटकर वापस ड्यूटी पर गया था। वहां नक्सलियों के हमले में 9 जवानों सहित वह भी शहीद हो गया। शहीद को अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, सैन्य अधिकारियों और अलवर SP राहुल प्रकाश ने श्रद्धा सुमन पुष्प चक्र अर्पित किए।
खैरथल कस्बे स्थित सिंघानिया ऑयल मिल में काम करते वक्त हुई दुर्घटना में एक कामगार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक अंकित यादव उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह अभी कुछ समय पहले ही यहां काम पर आया था। रात भर ड्यूटी करते हुए सुबह करीब 4:30 बजे दुर्घटना हुई। संभवतया हादसा नींद की वजह से हुआ हो। मृतक के शव को मोर्चरी भिजवाकर पोस्टमार्टम कराया गया। 4:30 बजे दुर्घटना यह हुई कि वो परवेर में जो था तो खड़ चला रहा था, पैर से थोड़ा पैर जो है तो चलाना बेलचा से चाहिए लेकिन चला दिया पैर से, तो कुछ नींद वूंद में मतलब मान लो होगा हल्का, पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं था नहीं, वो उसमें गिर गया। गिरने के बाद फिर उसको बाद में बताया, कमरा पे गए फिर उसको आ करके फिर निकाला। क्या नाम है इसका? अंकित। कहाँ रहता है ये? यूपी में। ड्राइवर साहब कितने दिन क्या है काम करना? ये अभी आया था, 3-4 रोज हुए थे। अच्छा, खबरें अभी और भी हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन निजी क्षेत्र में न सिर्फ अलवर अपितु राजस्थान का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। IIT ग्रुप एस्टैब्लिश्ड इन 1998 बाय डॉक्टर वीके अग्रवाल एंड डॉक्टर मंजू अग्रवाल। IIT ग्रुप में आज 2 इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज संचालित है जो AICTE भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और RTU कोटा से एफिलेटेड है। IIT ग्रुप द्वारा BTech, MTech, MBA, MCA, B-Pharma व M-Pharma कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। 400 से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी एंड वेल मैनेजमेंट द्वारा बच्चों का भविष्य संवारा जाता है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए 60 से ज्यादा कंपनीज IIT ग्रुप में आ चुकी हैं। IIT ग्रुप में गर्ल्स व बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इंटरनेट की सुविधा के साथ साथ सिक्योर एनवायरनमेंट भी उपलब्ध है। कैंपस में ही बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस की भी सुविधा है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ग्रुप चेयरमैन को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा गुणीजन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आर एड्रेस नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर, आर टोल फ्री नंबर 1800120. क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर स्मार्ट सिटी अलवर में अब क्योरवेल डायग्नोस्टिक लाए हैं सभी प्रकार की जांच के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो भी अनुभवी टीम के साथ। 4D अल्ट्रासाउंड हो या कलर डॉपलर या हो कार्डियोग्राफी, इसके साथ साथ क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर पर अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। डिजिटल एक्सरे हो या रंगीन सोनोग्राफी, वीडियो ECG हो या थायराइड जांच और ब्लड की सभी तरह की जांच भी लेटेस्ट तकनीक से की जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शक्ति सिंह भी अपनी सेवाएं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर पर दे रहे हैं। जांच रिपोर्ट में विश्वास का ही नाम है क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अब कालाकुआ में भी ब्रांच की शुरुआत की जा चुकी है, यहाँ भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। हमारा पता है 1/25 अरावली विहार, कालाकुआ, अलवर। मोबाइल नंबर 8505000166। हेड ऑफिस क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर, लखंडा वाला कुआं, बिजली घर का चौराहा, अलवर। मोबाइल नंबर 9024186186। ब्रेक के बाद फिर नजर हेडलाइंस पर। वृद्धा की हत्या के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, हत्या के 3 दिन में ही पुलिस ने किया पर्दाफाश। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में हुई थी हत्या। सुकमा नक्सली हमले में हुआ था अलवर का जवान शहीद, राज के सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। अलवर के सुंदरवाड़ी का था सपूत लक्ष्मण। नव संवत के मौके पर होंगे अनेकों आयोजन, मिनी मैराथन का भी होगा कार्यक्रम। भाजपा भी मनाएगी नव संवत आमजन के साथ। हनुमान बेनीवाल ने फिर भरी हुंकार, नहीं जाऊंगा बीजेपी में, भाजपा के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन। नववर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित होने वाली मिनी मैराथन के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुधवार को पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर के गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, अविनाश कौशिक, राकेश सेठी, मृदुल भाटिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नववर्ष समारोह समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 18 मार्च को सुबह 7:30 बजे मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न आयु के बालक बालिकाओं, महिला पुरुष भाग लेंगे। सभी विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
अभी भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में एक मैराथन का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें 5 किलोमीटर दौड़ होगी और ये सारे ग्रुप में होगी। हमारा इस दौड़ का मल्टीपल पर्पज है। पहले तो जो विक्रम संवत का जो भारतीय नववर्ष है उसके बारे में जानकारी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो उसको लोगों को अवेयरनेस करने के लिए और साथ में ही फिजिकल फिटनेस, हेल्थ और नशे के सभी के एक ज्वाइंट उसमें इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। नववर्ष के उपलक्ष्य में रन फॉर कल्चर मैराथन का आयोजन किया गया है। यह मैराथन 14 से 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें पुरुष एवं महिलाएं, बालक बालिकाएं सभी भाग लेंगे। इस प्रकार 6 वर्ग बन जाएंगे इसके। सभी वर्गों के 10-10 फर्स्ट प्रथम 10 लोगों को हम प्राइज देंगे। इसमें फर्स्ट प्राइज इसमें 5100 रुपये की है, सेकंड प्राइज इसमें 2100 रुपये की है, तीसरी प्राइज इसके अंदर 1100 रुपये की है और उसके बाद में 500 रुपये की 10 तक प्राइज इसमें रहेंगी। यह मैराथन मोती डूंगरी SMD सर्किल कंपनी बाग रोड चलती वापस मनुबाग। वहीं कैडलगंज स्थित बीजेपी कार्यालय में नव संवत को लेकर मंडल अध्यक्षों, महिला मोर्चा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आज समाज में बढ़ते पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए नव संवत कार्यक्रम के जरिए आम जन को जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें शहर विधायक बनवारीलाल सिंघल, शहर अध्यक्ष अशोक गुप्ता और नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना, UIT अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत, जिला महामंत्री संजय नरुका सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसकी पूर्व तैयारियों के लिए आज ये बैठक सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारियों की बुलाई गई है, जिसमें हमारे महामंत्री जिला श्री संजय नरुका, शहर के प्रभारी भाई अशोक जी, हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष, सभी पार्षद, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। इन सबको पार्टी संगठन की ओर से निर्देश दिए गए कि इस प्रकार से नव संवत्सर को आम जन तक पहुँचाकर आम जन का विषय चूँकि ये बना है, लगातार जैसे अंग्रेजी संस्कृति ने, विदेशी संस्कृति ने भारतीय नववर्ष पर अतिक्रमण जैसा किया है, उस अतिक्रमण को तोड़ते हुए हमारी जो भारतीय परंपरा है वो आगे बढ़ रही है और अब बहुत बड़ी श्रृंखला में अलवर शहर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उस कार्यक्रमों की श्रृंखला का निर्देश देने के लिए कार्यकर्ताओं को आज ये सब बैठक को बुलाया गया है, जिसमें हमारे प्रभारी जी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश देकर ये बताया गया आपको किस काम की जिम्मेदारी कहाँ लेनी है। सभी कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ अपने अपने बताए गए काम को करने के लिए जुटेंगे और ऐसा मेरा मानना है कि पिछले लगभग 14-15 वर्ष से पुनः नव संवत्सर को जिस रूप में मनाया जाता था पहले, वैसे मनाए जाने की प्रक्रिया पिछले 14-15 वर्ष से प्रारंभ हो गई और हर वर्ष नव संवत्सर और तेजी से मनाए जाने का काम देश में और प्रदेश में और अलवर में होता है। अनेक स्थानों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा तिलक लगाकर, लोगों को मिठाई खिलाकर, मिश्री खिलाकर, मोली बंधन करके और भी अनेक पारंपरिक तरीकों से लोगों का स्वागत करके उनको नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी जाती है। इसी प्रकार से होप सर्कस पर बहुत बड़ा यज्ञ करके आमजन को यज्ञ के माध्यम से संदेश दिया जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम देशभर में होते हैं, भारतीयों के लिए नववर्ष यही है। जो अंग्रेजी नववर्ष है वो अंग्रेजों का है, लेकिन भारत में जो हमारा भारतीय नववर्ष है उस पर निश्चित तौर पर अंग्रेजी नववर्ष ने अतिक्रमण किया है और अब जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से हम सब लोग इस भारतीय नववर्ष को मनाकर आगे बढ़ रहे हैं, पुनः विक्रम संवत हमारा स्थापित आज है और होगा। देश का बच्चा बच्चा विक्रम संवत को मनाएगा कॉन्वेंट एजुकेशन के कारण से। इसमें मैं कहना चाहता हूँ कॉन्वेंट एजुकेशन के कारण से हमारी जो मूल भारतीय परंपरा का नववर्ष है उसको मनाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन अब जैसे जैसे इसको लगातार हम लोग मनाते हैं तो अब आने वाले समय में लोगों को प्रेरणा भी मिल रही है और आने वाले कल के जो बच्चे हैं उनको भी इस बाबत प्रेरणा मिल रही है, संबंध में प्रेरणा मिल रही है। लोग अब नववर्ष को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर के खैरतल में हुई लूट और हत्या की वारदात का 4 दिन बाद भी हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। व्यापारियों द्वारा हत्या के विरोध में अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग पर 3 दिन बाजार भी बंद रखे थे। हालांकि बुधवार खैरतल बाजार और मंडी में कामकाज शुरू हो गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अब आक्रोश महिलाओं में भी नजर आ रहा है।
10 मार्च को लूट के इरादे से हुई व्यापारी मुकेश की गोली मारकर हत्या के 4 दिन बाद भी अभी पुलिस के हाथ खाली है। व्यापारियों द्वारा 16 तारीख तक का समय दिए जाने के बाद हालांकि बाजार तो खोल दिए गए, उधर हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए महिलाओं ने थाने पर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 10 मार्च को दुकान से घर जाते समय व्यापारी मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं लग पाया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खास रहे हनुमान बेनीवाल के भाजपा में शामिल होने की अटकलों को बेनीवाल ने एक बार फिर खारिज किया है। बेनीवाल फिर एक बार वसुंधरा सरकार से किसानों के पूर्ण कर्जा माफ करने सहित स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने और अपनी मांगों को दोहराते हुए खुलकर कहा कि भाजपा में नहीं जाऊंगा, जनहित के मुद्दों पर जन आंदोलन जारी रहेगा। वहीं राजपा के भाजपा में विलय पर राजपा के आमेर विधायक नवीन पिलानिया ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा को राजपा से ही राज्यसभा भेजने की बात होनी चाहिए थी, तभी भाजपा और राजपा का विलय माना जाता। सीकर के अंदर बहुत बड़ी रैली करेंगे, जो जन आंदोलन हमारा चल रहा है, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो और टोल मुक्त राजस्थान हो, किसानों को फ्री बिजली मिले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो और 4 लाख खाली पद भरे जाए, बेरोजगारी भत्ता और मजबूत लोकायुक्त को लेके हमने जन आंदोलन राजस्थान के अंदर छेड़ा था। डॉक्टर साहब ने भी बहुत रैलियां की थी, मैं उनकी रैलियों के अंदर गया था, मैंने भी बहुत बड़ी 3 हुंकारियां से भरी थी, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर के अंदर, वो भी हमारे साथ थे। निश्चित रूप से 4.25 साल के अंदर विधानसभा में कांग्रेस विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही थी। मेरे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा भी राजस्थान के किसान और जवान के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मैं मेरे स्टैंड पे कायम हूँ। सीकर की रैली करेंगे और सीकर की रैली के बाद जल्दी जयपुर की रैली हम करेंगे और वो 15 लाख लोग वहाँ इकट्ठा होकर नई पार्टी हम राजस्थान के अंदर बनाएंगे, तीसरा मोर्चा राजस्थान में बनाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं जाऊँगा। गौरतलब है कि राजपा के 4 विधायकों में 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, साथ ही राजपा का विलय भी भाजपा में कर दिया गया, लेकिन किरोड़ी मीणा के खास हनुमान बेनीवाल और राजपा विधायक नवीन पिलानिया का अभी भी विरोध जारी है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वृद्धा की हत्या के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, हत्या के 3 दिन में ही पुलिस ने किया पर्दाफाश, अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में हुई थी हत्या। सुकमा नक्सली हमले में हुआ था अलवर का जवान शहीद, राज के सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार, अलवर के सुंदरवाड़ी का था सपूत लक्ष्मण। नव संवत के मौके पर होंगे अनेकों आयोजन, मिनी मैराथन का भी होगा कार्यक्रम, भाजपा भी मनाएगी नव संवत आमजन के साथ। हनुमान बेनीवाल ने फिर भरी हुंकार, नहीं जाऊंगा बीजेपी में, भाजपा के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।